हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ छोले कुलचे बनाने की ये रेसिपी। तो किस तरह से हम कुलचों को नरम और फूला फूला बनाएं, चलिए जानते हैं इस रेसिपी में। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं नवीन खुराना आपका बहुत स्वागत करता हूँ खुराना किचन में। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मटर लिया, जिसे मैंने रात भर ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। आप चाहे तो 6 से 7 घंटे तक इसे कम से कम सोक करके रखिएगा। उसके बाद हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, कुछ पानी डालेंगे, करीबन आधा इंच पानी इससे ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला, साथ में आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। अब हम इसे कम से कम 2 विसल इसमें लगानी है हाई हीट पर दोस्तों, और उसके बाद 6 से 7 मिनट तक हम इसे धीमी आँच पर पकते रहने देंगे। आइए, जब तक हमारे छोले पकते हैं तब तक हम कुलचे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम इसके लिए 2.5 कप मैदा लेंगे यानी कॉर्नफ्लावर, उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब उसके बाद हमें इसमें आधा चम्मच सॉल्ट डालना है यानी नमक डालना है, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ में 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, और 3 छोटे चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। खट्टा दही है तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे खटास बढ़ेगी। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद हमें दोस्तों इसका एक डो तैयार करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना होगा और आटे की तरह इसे गूंथ लेंगे, देखिए कुछ इस तरह से। हमें इसे टाइट डो नहीं लगाना है दोस्तों, हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो धीरे धीरे कर पानी ऐड करते रहेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरह से तैयार कीजिएगा दोस्तों। अगर ये आपके हाथों पर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दीजिएगा मेरी तरह, ये देखिए, और थोड़ा से इसे दोबारा से गूंथ लीजिएगा ताकि ये ऑयल भी ऑब्जर्व कर ले। देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है दोस्तों। अब हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, ताकि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है वो एक्टिवेट हो जाए, अरे कुलचे जो है फूले फूले और नरम बने। तो इसे कम से कम 20 मिनट तक के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, कुछ इस तरह से चेक कीजिएगा, ये सॉफ्ट होना चाहिए। तो 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ने के लिए हमने इसे रख दिया है। इसी बीच में हमारे छोले भी रेडी हो गए हैं, उबल गए हैं, आइए चेक करते हैं। ये देखिए, अगर ये मटर कुछ इस तरह से मैश हो जाए तो समझिएगा कि ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम अपने मटर कुलचे तैयार करते हैं, यानी मटर को तैयार कर लेते हैं। तो जो मटर है हम उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्ट लिया है 1/4 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1/4 चम्मच, साथ में ब्लैक पेपर 1/2 छोटा चम्मच और अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, ब्लैक सॉल्ट मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच और साथ में चाट मसाला लिया है 1/2 छोटा चम्मच। तो यहाँ पर मैंने 1/2 स्मॉल साइज़ का प्याज लिया जिसे चॉप कर लिया था, और साथ में 1/2 स्मॉल साइज़ का ही टमाटर लिया है, 2 ग्रीन चिलीज ली हैं उसे भी मैंने ऐड कर लिया है, कुछ फ्रेश कोरिएंडर लिए हैं और थोड़ा सा लेमन जूस। और दोस्तों इसमें लेमन जूस तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो ठेले वाले जो स्ट्रीट स्टाइल के हम मटर कुलचे खाते हैं, जो मटर का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो वो एक जो सीक्रेट मसाला यूज़ करते हैं वो इन्हीं 6-7 मसालों से बनकर रेडी होता है, तो इसीलिए हमने ये मसालों का यूज़ किया है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद हमारे जो है मटर बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने के लिए। इसी बीच में 20 मिनट होने के बाद ये देखिए कुलचों का डो बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड करके एक लोई तैयार करेंगे, यानी पेड़ा तैयार करेंगे बॉल की शेप का। तो अब हम एक चकला लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इसे आपको जो भी शेप देनी हो आप उस शेप में इसे बेल लीजिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। मुझे लंबे कुलचे पसंद है तो मैंने इसे लंबा लंबा बेल दिया है, चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, देखिए इस तरह से आप बेल लीजिएगा दोस्तों। ये एक इंस्टेंट कुलचा रेसिपी है, जब ये पैन में बनकर तैयार होंगे तो ये एकदम फूले फूले सॉफ्ट और इतने डिलीशियस होंगे कि आप इनको छोलों के साथ खाते ही रह जाएंगे।
तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें थोड़े से धनिया के पत्ते इस पर डालने हैं और उसके बाद इसे भी हम अच्छे से बेलन की मदद से बेल लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ताकि ये धनिया के पत्ते इससे चिपक जाएं। अब बस यहाँ पर हमारा कुलचा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए। चलिए मैं एक और कुलचा आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल चकले पे लगा दिया है, अप्लाई कर दिया है। हम इसे भी कुलचे को भी ऐसे ही लंबा लंबा बेल लेंगे। जो छोले कुलचे हम स्ट्रीट स्टाइल वाले खाते हैं दोस्तों, उनके पास इमली का पानी अवेलेबल होता है और उसी की वजह से काफ़ी खट्टा फ्लेवर आता है। तो कई बार हमारे पास घरों में इमली अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए मैंने आमचूर पाउडर और लेमन जूस का यूज़ किया है, ताकि हमारा वो फ्लेवर बना रहे। तो इस तरह से हमारा देखिए कुलचा दूसरा भी रेडी हो गया है। बस इस पर धनिया के पत्ते हमें लगाकर इसे अच्छे से बेल कर तैयार कर लेना है। आइए गर्म पैन में अब हम इस कुलचे को डालते हैं। थोड़ा सा पानी स्प्रेड करेंगे ताकि इसमें जो है भाप बन जाए, और हम इसे जल्दी से ढक देंगे। सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे ढकेंगे, और देखिए कुछ सेकंड्स के बाद ये नीचे से अच्छे से सिक गया है। आइए आप इसे पलट देते हैं, ये देखिए। अब कुछ सेकंड्स के लिए दोबारा से हम इस पर ढक्कन लगाकर ढक देंगे, यानी लिड लगाकर हम इसे ढक देंगे। कुछ सेकंड्स के बाद देखते हैं दोस्तों, ये देखिए नीचे से कितना अच्छा सिक गया ये। बस अब यहाँ पर हमें बटर अप्लाई करना है। आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे बटर कुलचा बहुत अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर ही कुछ अलग सा आता है। तो इस तरह से बटर अप्लाई कर दीजिएगा दोनों साइड्स में। बस यहाँ पर हमारा कुलचा बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, कितना अच्छा कलर खिल के आया है ये देखिए। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मैं ये कुलचा आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा कुलचा बनकर रेडी हुआ है। आइए दूसरा कुलचा भी हम रेडी कर लेते हैं। तो वैसे ही प्रोसेस है, थोड़ा सा पानी स्प्रेड कीजिए और लिड लगाकर हम इसे कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं, ताकि कुलचा जो है थोड़ा फूल भी जाए। ये देखिए ऑटोमेटिक फूल रहा है ये कुलचा। बस स्टेज पर थोड़ा सा हमें दोबारा से लिड लगाना है, और लिड लगाने के बाद इस पर बटर अप्लाई कर रहा है कुछ इस तरह से। दोनों साइड बटर अप्लाई कर देंगे अच्छे से, ताकि बटर का पूरा फ्लेवर आए, ये देखिए। और इसे पलटे की मदद से अच्छे से सेक लीजिएगा। बस स्टेज पर हमारा कुलचा बिल्कुल अच्छी तरह से सिकने के बाद रेडी हो गया है, ये देखिए कितना बेहतरीन, कितना लजीज कुलचा लग रहा है ये देखने में। आइए अब हम सर्विंग करते हैं हमारे स्पाइसी चटपटे मटर जो हमने रेडी करके रखे थे। हम उसे एक ऐसे डोने में, या आप चाहें तो बाउल में भी रख सकते हैं, ये देखिए। ऊपर से बस गार्निशिंग कर दीजिएगा धनिया के पत्तों की, और साथ में हमारे गर्मा गर्म सॉफ्ट मुलायम कुलचे। थोड़ा सा सैलेड साथ में रख दीजिएगा, ताकि खाने का मज़ा दोगुना हो जाए। तो आइए मैं यहाँ पर आपको ये कुलचा चेक कर दिखाता हूँ, ये कितना ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बना है, जिसे खाने में मज़ा ही आ जाएगा, ये देखिए। तो आज की छोले कुलचे की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग, डिलीशियस और धमाकेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।